बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल मलाइका व्लॉग्स एंड फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद नहीं इस यकीन के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मलाइका के बाबा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे और उनकी बख्शिश करे और इन बच्चों की बेहतरी के हक में अल्लाह बेहतर अस्बाब पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। और आज हमारी किचन की रूटीन में है फलियाँ गोश्त, और ये हम फलियाँ चिकन में बना रही हूँ आज मैं। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था प्याज ब्राउन करके, इसमें टमाटर और डाल के तो उसको फ्राई कर रहे हैं। अदरक लहसुन ये अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, काफ़ी देर के बाद डाली है पेस्ट और अब इसको फ्राई करेंगे। कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आप लोग ये रहे होंगे कि आज तो मलाइका की मम्मा ने बोला ही नहीं है कि आप मलाइका से बात करें। गाइस वो ना क्या नाम लेते वो बोलना भूल गई, तो ना अब मेरी बारी आ गई बोलने की। गाइस हमने प्याज टमाटर डाल दिए और अब हम इसको भून रहे हैं। आग चली ही नहीं है, वह सदके जाऊँ मैं, लेकिन चल गई है, चल गई है, चल गई है। ये देखे अब चली आग, ये देखे क्या नाम लेते हैं जो प्याज टमाटर हमने जो डाला है उसमें से कितनी अभी तो डाला ही नहीं है, अब ये गोश्त डाल गया है। ये देखें अब हम इसको भून रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कैसे गए। गाइस आज हमें कोई जल्दी नहीं पकाने की, आज हम लोग स्लो स्लो पका रहे हैं। गाइस क्या नाम लेते हैं अभी हमने नमक डाली है, हल्दी डाली है। गाइस आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, कर नहीं पहले लाल मिर्च डाली थी, अब हल्दी डाली है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल सकते हैं। और ज़ीरा डाला है और क्या नाम लेते हैं ज़ीरा डाला है। अब हम लोग इसके अंदर बड़ी इलायची वगैरह 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 डाल रहे हैं। गाइस आप लोग अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। गाइस अब हम इसको भून रहे हैं, ये देखें आप लोग, अब इसके बीच में से बुलबुले भी आ रहे हैं। गाइस गाइस मैं दो तीन दिन से इसमें हो रही हूँ, किचन में खड़ी होती हूँ, ठीक है। अब ये गैस ऑन हो गई है, पहले तो ऑन नहीं थी, हो गया वो प्याज रेड रेड हो रहे थे तो माधो देर से कट गए थे ना, तो इसलिए वो मम्मा ने फिर गैस बंद कर दी कि प्याज सड़ ना जाए। तो थोड़ी एक ब्राउन ब्राउन हो गई है, लेकिन ब्लैक ब्लैक हो गई, लेकिन बाद में भी तो होना ही होते ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, ये देखें आप लोग, हम लोग हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लकड़ी के डोसे करते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से लकड़ी के डोसे खाना पकाते हैं। लेकिन हम खाना की डालना वगैरह होता है तो हम लोग या चावल पके होते हैं तो चावल वाले चम्मच से इस तरह की चीज़ें हम लोग निकाल देते हैं स्टील की, अगर पकाना ही खाना तो स्टील के लकड़ी के उधर से। या अब हमने हरी मिर्चें डाल दी, ये देख सकते हैं गाइस। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है आज पका था फलियाँ और गोश्त, लेकिन क्योंकि गाइस मैं बहुत बड़ी डेट हूँ गाइस क्या नाम लेते हैं कुछ नहीं होता, नहीं खाती मैं तो, क्योंकि गाइस मुझे मिर्चा नहीं पसंद। ये अपने फलियाँ डाल दी हैं इसके अंदर, ये देखें, ये देखें गाइस मम्मा हांडी पकाती है, मैं वीडियो बनाती हूँ। कभी कभार मैं हांडी हिलाती हूँ, यानी कि बनानी तो नहीं आती, हिलाती हूँ मैं चम्मच वगैरह, तो फिर मामा मेरी वीडियो बनाती है, कभी कभार होता है, लेकिन आज कल तो मामा ही पका रही हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ। ये देखें आप लोग, ये हम लोग इसका मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें गाइस अभी फलियाँ क्या नाम लेते हैं हम फलियाँ हमने वॉश करके डाल ली हैं। आप लोग निकली हुई लेते हो या आप लोग निकली हुई के बगैर लेते हैं वो आप लोग की मर्ज़ी है, हमने निकली हुई थी, निकली हुई बनी हुई दोनों ली थी हमने, यानी कि दोनों नहीं एक ही होती है ना, निकली हुई ली थी हमने,
ये अब हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं ताकि ये जो अगर गोश्त भी नहीं गला सही तरह और या फलियां नहीं गली तो इनकी पकी नहीं तो ये पानी डालेंगे तो पक जाएंगी गल जाएंगे सही तरह। क्या नाम लेते हैं अब इसको भर लेंगे तो दम पे जाएगा गाइस। क्या नाम लेते हैं अगर इस तरह की कोई हांडी होती है तो मैं कहती हूँ मम्मा को मम्मा ये तो बहुत आसान है तो जिस तरह के सेवियाँ अब देखेंगे गाइस। मुझे आलू गोश्त तो बिरयानी की रेसिपी याद हो गई हुई है क्योंकि आलू गोश्त भी उस तरह पकता है बिरयानी भी उस तरह पकती है बस आलू गोश्त के अंदर चावल डाल लो तो बिरयानी पक जाएगी। मुझे याद हो गई है ये रेसिपी किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। आज वैसे आप लोग से की तो ये है लेकिन आपको मोज बाकी सुनाऊँगी अभी अभी ये अब हमने इसको दम पे रख दिया है और ये देखें गाइस अब कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई हुई है। ये देखें धनिया हमने डाला था फ्रेश फ्रेश है अभी तक तो हम लोग पतीली से निकाल के डोंगे में निकाल देते हैं जब सावर का डल जाता है तो फिर हम लोग डोंगे में डाल देते हैं। हाँ तो गाइस उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।